नमस्कार दोस्तों, बुद्धिमान वही है जो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले। हर जगह सिद्धांत काम नहीं आते। आज की कहानी में हमें कुछ ऐसी ही सीख मिलेगी। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। एक गांव में राम सुख नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था। न उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कुछ खाने को था। ब्राह्मण जैसे तैसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। उसकी गरीबी को देखकर एक यजमान को उस पर दया आ गई। उसने राम सुख को बैलों का एक जोड़ा दान में दे दिया। बैलों को गौधन मानकर ब्राह्मण राम सुख उनकी सेवा पूरी लगन के साथ करने लगा। उसे बैलों से इतना प्रेम था कि वो खुद कम खाता था, लेकिन बैलों को भरपेट खिलाता था। ब्राह्मण की सेवा से दोनों बैल तंदुरुस्त हो गए। एक दिन हट्टे कट्टे बैलों पर चोर की नजर पड़ गई। बैलों को देखते ही चोर ने मन ही मन बैलों को चुराने की योजना बना ली। अपनी योजना के अनुसार रात में चोर ब्राह्मण के बैलों को चुराने के इरादे से निकल पड़ा। कुछ दूर चलते ही चोर का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ। राक्षस ने चोर से पूछा, तुम इतनी रात को कहां जा रहे हो? मैं ब्राह्मण के बैलों को चुराने जा रहा हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। मैं उस ब्राह्मण को खाकर अपनी भूख शांत करूंगा और तुम उसके बैलों को चुरा लेना। राक्षस से मिलने के बाद चोर ने मन ही मन सोचा कि चलो एक से भले दो हो जाएंगे और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। राक्षस और चोर आपस में बातें करते हुए ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण के घर पहुंचकर राक्षस बोला, सुनो, पहले मैं ब्राह्मण को खा लेता हूँ, उसके बाद तुम बैल चुरा लेना। नहीं, पहले मैं बैल चुराऊंगा, उसके बाद तुम ब्राह्मण को खा लेना। अगर तुम्हारे आक्रमण से ब्राह्मण जाग गया तो मैं तो बैल चुरा नहीं पाऊंगा। जब तुम बैल खोलोगे तो उसकी आवाज से भी ब्राह्मण जाग कर अपनी रक्षा कर सकता है। मैं इस चक्कर में भूखा ही रह जाऊंगा। राक्षस और चोर दोनों इसी तरह बहस करते रहे। एक दूसरे की बात मानने को उनमें से कोई तैयार नहीं था। उसी बीच राक्षस और चोर की आवाज सुनकर ब्राह्मण जाग गया। ब्राह्मण को जागा देखकर जल्दी से चोर बोला, पंडित जी देखो, ये राक्षस आपको खाने आया है, लेकिन मैंने इससे आपको बचा लिया। इसने कई बार आपको खाने की कोशिश भी की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। पंडित जी, नहीं पंडित जी, मैं आपको खाने नहीं बल्कि आपके बैलों की रक्षा करने आया हूँ। यह चोर आपके बैलों को चुराने आया था। दोनों की बात सुनकर ब्राह्मण को शक हुआ। खतरे को भांपते हुए ब्राह्मण ने फटाफट डंडा उठाया और दोनों को भगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि समय के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए, जैसा इस कहानी में ब्राह्मण ने किया। उसने चोर और राक्षस की बात सुनने के बाद अपनी आत्मरक्षा के लिए डंडा उठा लिया, जो उस परिस्थिति के लिए बिल्कुल सही था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।